देख रहे हैं युगचरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारत से विदेश भेजे जाने वाले सभी कफ सिरप की अब लैब टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के बाद ही इसे एक्सपोर्ट किया जा सकेगा और ये नियम 1 जून से लागू हो जाएगा। पिछले साल गाम्बिया में 66 और उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई थी। दावा किया गया था कि ये मौत भारत में बड़ी खांसी की दवाइयों को पीने के बाद हुई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप को विदेश नहीं भेजा जाएगा। DGFT से जुड़े अधिकारी ने बताया कि भारत से एक्सपोर्ट की जाने वाली दवाइयों की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार और दवाई बनाने वाली कंपनियां एक्सपोर्ट से पहले दवाई की टेस्टिंग सुनिश्चित करें। इंसान की चांद पर पहुंचने की रेस फिर से शुरू हो चुकी है। नासा ने एलन मस्क की SpaceX के बाद अब अरबपति जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के साथ भी $3.4 बिलियन यानी 28,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बेजोस की स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी ब्लू ओरिजिन ने खुद को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने की पुष्टि की है। कॉन्ट्रैक्ट आर्टेमिस वी मिशन के तहत दिया गया है जो नासा का इंसान को फिर से चांद पर भेजने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसमें अमेरिका की दो बड़ी कंपनियों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने $3.4 बिलियन के बदले एक लूनर लैंडर की मांग की है जो एक 50 फीट के स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा होगा। इसे ब्लू मून कहा गया है। मिशन को 2029 में लॉन्च किया जाएगा। इसके जरिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सरफेस पर उतारा जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 25, 26, 27 और 28 मई को होने वाली परीक्षाओं के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों की परीक्षाएं इन तारीखों पर होने वाली है वे ऑफिशियल वेबसाइट से अपना CUET एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड कर सकते हैं। CUET UG 2023 के उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि के साथ लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NTA ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए एडमिट कार्ड 25, 26, 27 और 28 मई 2023 को पहले से परीक्षा के लिए तय उम्मीदवारों के लिए जारी किए जा रहे हैं। NTA बाद में आगे की तारीखों के लिए CUET 2023 एडमिट कार्ड जारी करेगा। महाराष्ट्र में 2 भीषण सड़क हादसे हुए हैं। इन हादसों में 12 लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। पहला हादसा बुलढाणा में नागपुर पुणे हाईवे पर हुआ। यहां बस और टक्कर की ट्रक में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। बस पुणे से महकर की तरफ जा रही थी और वहीं उसी ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं दूसरा हादसा बीती रात 11 बजे महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने SUV कार को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। यह हादसा मुंबई से लगभग 650 किलोमीटर दूर अमरावती में दरियापुर अंचन गांव रोड पर हुआ। अधिकारी ने कहा कि सभी लोग फैमिली फंक्शन में शामिल होने के बाद दरियापुर लौट रहे थे। ज्ञान वापी विवाद में वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विवाद से जुड़े 7 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का कोर्ट ने फैसला लिया। सोमवार को हुई बहस के बाद जिला जज अजय कृष्ण ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को उन्होंने श्रृंगार गौरी प्रकरण की वादी सीता साहू मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक की ओर से दायर वाद में फैसला सुनाते हुए सभी 7 मामलों को क्लब कर दिया। अब इसकी सुनवाई एक साथ होगी। फैसले के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता खासे खुश दिखाई दिए। वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि फैसला हमारे पक्ष में आया है, हमारी जो भी मांग थी वे कोर्ट ने पूरी की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को भी एहसास हुआ कि सभी मुकदमे एक ही प्रवृत्ति के हैं, ऐसे में इन्हें एक किया जा सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।